पंजाबी रेडियो यूएसए पेश करता है आज दा दिन सिख इतिहास विच। सिख इतिहास दीआं घटनावां च 1 नवंबर दा दिन 1913 गदर अखबार शुरू। गदर पार्टी दे जन्म दे नाल ही पार्टी वल्लों गदर नां दा परचा वी छपना शुरू हो गया, जिसका पहला अंक 1 नवंबर 1913 नूं जारी कर दिता गया। 1921 होठियां गुरद्वारे ते संगत दा कब्जा हो गया। जिला गुरदासपुर च गुरु अर्जन साहब दी याद च ओठियां, जिसनूं होठियां वी कहा जांदा है, विच इक तवारीखी गुरद्वारा बनिया होया है। 1920 विच इसका इंतजाम भी महंता कोल सी, जद सिखां ने दरबार साहिब, ननकाणा साहिब, तरन तारण ते होर गुरद्वारे आजाद करवाए तां संगत ने इस पासे वल भी ध्यान दिता अते 1 नवंबर 1921 दे दिन इस ते भी संगत दा कब्जा हो गया। 1925 गुरद्वारा एक्ट पास होके लागू होया। 5 साल की जद्दोजहद अते सैकड़े कुरबानियां देण मगरों सरकार ने गुरद्वारा एक्ट बनाउणा मान लिया। इस एक्ट हेठ पहली लिस्ट विच 241 गुरुद्वारे सन, जिन्हां विचों 64 पूर्वी पंजाब हुण भारत हेठ अते 177 पछमी पंजाब हुण पाकिस्तान हेठ दे सन। इस तो बिना 116 अखाड़े ते डेरे वगैरा भी दूजी सूची विच शामिल सन। इन्हां नूं गुरुद्वारे नहीं मन्या गया सी। इस तो इलावा यह मद भी सी कि कोई भी 50 सिख किसी भी गुरुद्वारे नूं इस कमेटी नूं देण दा मता पेश कर सकते सन। इस एक्ट की सब तो वड्डी खुशी यह सी कि सेंट्रल बोर्ड दीआं चोणां विच सिख बीबियां नूं वोट का हक हासिल हो गया सी। भारत विच यह हक सब तो पहला सिख बीबियां नूं ही मिलिया। एक्ट विच यह भी खुल सी कि सेंट्रल बोर्ड चाहे तो अपना कोई भी नाम रख सकता है। यह इसे कारण मन्या गया सी क्योंकि अकाली श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ना ही रखना चाहते सन। 7 मई 1925 नूं यह बिल चोण कमेटी नूं दिता गया ते 2 महीने पिछों 9 जुलाई 1925 नूं तारा सिंह मैंबर कौंसल वल्लों पेश किया यह बिल शिमला इजलास विच पास कर दिता गया। 28 जुलाई नूं गवर्नर वल्लों मंजूरी देण ते यह बिल एक्ट बन गया। यह एक्ट 1 नवंबर 1925 तों लागू हो गया। 1956 पंजाब ते पैप्सू इकट्ठे होए। 1947 विच जद अंग्रेज़ भारत नूं छड के गए तां उस वेले पंजाब विच बहुत सारियां रियासतां मौजूद सन, जिन्हां विचों मुख पटियाला, कपूरथला, जींद, फरीदकोट, मलेरकोटला, नालागढ़ वगैरह सन। 1948 विच इन्हां नूं इकट्ठा करके पैप्सू सूबा बना दिता गया। हुण पंजाब विच 2 सूबे सन, पंजाब ते पैप्सू। पंजाब रीजन दी बोली पंजाबी गुरमुखी लिपि विच मन्नी गई। पैप्स विच पंजाबी जोन ते पंजाबी फार्मूला अते हिंदी जोन ते सच्चर फार्मूला लागू होना मन्या गया। रीजनल फार्मूले दा होर कोई नतीजा तां ना निकल सकिया, पर 1 नवंबर 1956 दिन पंजाब अते पैप्सू सूबियां नूं मिला के एक सूबा बना दिता गया। 1966 पंजाबी सूबा बनिया। नवां पंजाब 1 नवंबर 1966 नूं वजूद विच आया। इस विच 11 जिले अते 83 तहसीलां सन। नवें पंजाब दी आबादी 1,11,47,054 सी अते रकबा 50,225 वर्ग किलोमीटर। इस विच सिख आबादी 56% सी। 1967 दीआं असैंबली चोणां विच 104 हलकियां विचों 62 अते 1969 विच 81 सिख मैंबर चुने गए सन। 1 नवंबर 1966 नूं कायम होया पंजाबी सूबा ओह नहीं सी जो अकाली दल मंगदा सी। 1985 अमृतसर तो शहीद बेअंत सिंह दे पिंड मलोआ तक शहीदी मार्च किया गया। 1 नवंबर 1985 के दिन सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन ने अमृतसर तो सरदार बेअंत सिंह दे पिंड मलोआ चंडीगढ़ तक शहीदी मार्च किया, जिस विच हजारां लोग शामिल हुए। ये गल काबिले जिक्र है कि बाबा जोगिंदर सिंह इस मार्च विच शामिल ना होया। 1985 भुपिंदर सिंह तख्तू चक नकली मुकाबले विच शहीद। 1 नवंबर 1987 के दिन पुलिस ने भुपिंदर सिंह वासी तख्तू चक नूं एक नकली मुकाबले विच शहीद कर दिता। 1990 भुल्लर पिंड कोल 6 घंटे चले असल ते असामें मुकाबले विच कई सिख शहीद होए। 1 नवंबर 1990 दे दिन पुलिस नूं मुखबरी मिली कि भिंडरांवाला टाइगर फोर्स दा मुखी सुखविंदर सिंह ते उसदा साथी भुल्लर पिंड दे नेड़े किसे छुपन गाह विच मौजूद हन। इस ते हरजीत सिंह SP ने पुलिस दी एक वड्डी धाड़ लै के इलाका घेर लिया। तकरीबन 5-6 घंटे 4 खाड़कू हजारां फौजां नाल टक्कर लैंदे रहे। अखीर जद सारा असला मुक गया तां उह शहीद हो गए। इस असामी जंग विच 4 खाड़कू शहीद होए सन, सुखविंदर सिंह पुत्र गुलजार सिंह, बलजीत सिंह बल्ली पुत्र मक्खण सिंह, बिक्रमजीत सिंह पुत्र गोपाल सिंह ते मनजीत सिंह पुत्र ज्ञान सिंह। खाड़कुआं दीआं गोलियां नाल बहुत सारे फौजी ते पुलसिए भी मारे गए। मगरों पुलिस नूं लिआउण वाले हरजीत सिंह नूं भी खाड़कू जरनैल मेजर सिंह ने 24 नवंबर दे दिन सिर्फ 22 दिनां दे अंदर अंदर मार दिता। यह सी सिख इतिहास दीआं घटनावां च 1 नवंबर दा दिन। सुणदे रहो पंजाबी रेडियो USA।